इस वक्त एक बेहद दुखद खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आ रही है, जहां एक पुलिस जवान का आकस्मिक निधन हो गया। समूचे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जवान नीरज कुमार रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में तैनात थे और मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर के निवासी थे। बताते चले कि नीरज कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रुद्रपुर न्यू प्रीत विहार कॉलोनी में रहते थे। बता दें कि नीरज कुमार 2006 बैच के सिपाही थे। बताया जा रहा है कि बीते रात ही उन्होंने बेटे का जन्मदिन मनाया और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद यह दुखद घटना हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात सिपाही नीरज कुमार का स्वास्थ्य बीते कई दिनों से खराब चल रहा था। बीती रात उनके बेटे का जन्मदिन था। पूरे परिवार के साथ उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटे का जन्मदिन मनाया, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे परिजन बेहद घबरा गए और नीरज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जहां सिपाही नीरज कुमार की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे पुलिस विभाग में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों द्वारा नीरज को श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।